बिसमीम वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ मुस्लिम पर्सनल ला मुस्लिम पर्सनल ला की पाँचवें लेक्चर में खुश आमदीद आज हम मुत के मुतल डिस्कस करेंगे मुत की क्वालिटीज़ फंक्शंस, अथॉरिटीज इस लेक्चर में जर बहस आएंगे। तो इंट्रोडक्शन अ मुस्लिम हु मेक्स लॉ रिगार्डिंग एनी मैटर हुज सल्यूशन इज़ नॉट प्रज़ेंट इन क़ुरान सुन्ना एंड इजमा वो मुसलमान जो कि किसी मसले के हल के लिए क़ानून बनाता है कौन सा मसला ऐसा मसला जिसका हल क़ुरान सुनना इजमा में मौजूद न हो ऐसे शख्स को मुतहद कहते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर बंदा मुतहद हो सकता है क्या हर बंदा इजहाद कर सकता है तो इसका जवाब नफ़ी में है क्योंकि मुतहद के लिए कुछ खुसियात का हामिल होना लाजिम है क्वालिटीज़ ऑफ अ मुज्तहिद अ मुज्तहिद मस्ट प्रोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़ नंबर वन मेजर मस्ट बी मेजर दैर्स मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी मुज्तहिद के लिए लाजिम है कि वो उम्र में बड़ा हो और कम से कम लिमिट उसकी है हद बलू यानी हद बलूख़ तक अगर कोई बंदा ना पहुंचा हो चाहे बाकी तमाम खसूसियात में उसमें पाई जाती हों फिर भी वो मुतहद नहीं बन सकता वो इजहाद के लायक नहीं होगा नंबर टू साउंड माइंडेड मस्ट बी साउंड एंड रेशनल माइंडेड शुड हैव मच इंटेलेक्ट टू ग्रेस्प द सब्जेक्ट मुत के लिए लाजम है कि उसकी दिमागी हालत सही हो कोई फ़ातरअल या कोई दीवाना बंदा मुतहद नहीं बन सकता मुत के लिए ये भी लाजम है कि वो किसी मसले की मुतह के लिए लाज़म है कि वो कोई नतीजा अखस करने में उस सब्जेक्ट पर गिरफ्त रखता हो मुत के लिए लाजम है कि उसका हाफसा भी बेहतरीन काम करता हो नंबर थ्री नॉलेज ऑफ ग्रामर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज ग्रामर शुड रिकोगनाइज प्रिंसिपल्स ऑफ जीरोस्प्रोडेंस मुतहद के लिए लाज़म है कि वो अरबी ज़ुबान की ग्रामर पर अबूर रखता हो शुड रिकोगगनाइज़ प्रिंसिपल्स ऑफ जरस्प्रूडेंस मुझत के लिए लाजिम है कि वो अरबी ज़ुबान की ग्रामर यानी कवायद ज़वाबित से वाकिफ़ हो उस पर कमांड रखता हो शुड रिकगनाइज़ प्रिंसिपल्स ऑफ जरस्प्रूडेंस उसके लिए लाजम है कि वो जर के जो कवानी हैं ला बनाने के जो कवान हैं उनको पहचानता हो शुड नो दर्सिस ऑफ इस्लामिक ला मुत के लिए लाजम है कि इस्लामी कवानी की सोर्स के मुतल उसके पास इलम हो नंबर फोर एक्वाइंटेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया ही मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया शरीयत के असूलों को न सिर्फ जानता हो बल्कि उसमें महारत हासिल कर चुका हो ही शुड बी एबल टू गेट द रियल एंड ट्रू intent ऑफ़ द ला गिवर उसमें यह सलाहियत होनी चाहिए कि वो ला गिवर यानी परवरदिगार आलम की हकीकी मनशा की वाकफियत रखता हो नंबर knowledge नॉलेज रिगार्डिंग नस्क ही मस्ट नो द नस्क़ एंड मस्ट आइडेंटिफाई occasion. ऑन विच द रूल्स हैव बीन रिपील्ड बाई द लॉ गिवर मुतहद के लिए लाजम है कि वो नस्ख, नासिख, मनसूख के मुतालिक सारा कुछ जानता हो और ये भी जानता हो कि लॉ गिवर ने किस मौका पर कौन सा कानून रिपेल किया है कौन सा कानून बंद किया है मनसूख किया है नंबर सिक्स नॉलेज ऑफ क़ुरान नॉलेज अबाउट लिटरल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ क़ुरान एंड इट्स इंटरप्रटेशन क़ुरान करीम के लफ्ज़ी और अलाों के मुतालिक उसे इलम हासिल हो और करीम की तफसीर जानता हो नंबर सेवन कन्वर्सेंट विद इस्लामिक जर स्टूडें मुतहद मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द साइंस ऑफ इस्लामिक जर एंड रूल्स ऑफ लॉ अप्लाइड इन वीरियस डिपार्टमेंट्स मुस्त के लिए लाजम है कि वो इस्लामिक जरिसप्रूडेंस के मुतालिक इलम रखता हो और मुख्तलफ़ शोबाई ज़िंदगी में जो कवानीन अप्लाई होते हैं जो कवानी लागू होते हैं इस्लामी कवानी के मुताबिक मताब, उन सब कवान को इस्लामी नुक़ नज़र से जानने की सलाहियत उसमें होनी चाहिए ट नॉलेज ऑफ़ ट्रेडिशंस मस्ट बी फैमिली और विद द ट्रेडिशंस रिपोर्टेड बाय द होली प्रॉपर्ट सल्ह वसम मुत को चाहिए कि वो हजूर नबी करीम से जो रिवायात मंसूब हैं उनके मुतालिक उसके पास काफ़ी इलम हो क्लासीफिकेश मुशत मुतहदीन आर क्लासीफाइड इंटू थ्री ग्रोप्स नंबर वन फिल शरिया पहले वो मुत जो कि शरीयत के हवाले से मुतदिन हैं फाउंडर ऑफ देर ओन लीगल सिस्टम मुतहद फिल शरिया वो मुतहद होता है जो कि अपने मज़हब का सालिक होता है बानी होता है दे हैव एन एब्सल्यूट एंड इंडिपेंडेंट पावर ऑफ एक्सपाउंडिंग द लॉ उनके पास कोई क़ानून बनाने का एक बेहतरीन जरिया होता है एक ताकत होती है उनके पास कि वो एक कानून बनाए क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन द नॉलेज ऑफ क़ुरान क्योंकि वो क़ुरानी ओलूम में माहिर तरीन बंदे होते हैं नंबर सेकंड मुतहद फिल मज़हब मज़हब में मुतह दे फेमस पीपल्स ऑफ फोर इमाम्स स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाई देयर मास्टर्स ये ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके मास्टर्स के उनके आकाओं के यानी शरीय वाले मुशहदीन के शागिरद होते हैं और उन्होंने जो कवानी बनाए होते हैं उनकी स्ट्रिक्टी फॉलोअर होते हैं दे हैव अथॉरिटी टू डिस एग्री विद देयर मास्टर्स इन द एप्लिकेशन ऑफ लॉ कानून के लिहाज से तो वो अपने मास्टर्स के अपने आकाओं के ताबे होते हैं लेकिन कौन सा कानून कैसे इस्तेमाल किया जाए कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए इसके हवाले से इनके पास अपनी अथॉरिटी होती है कि वो अपने मास्टर से डिसएग्री कर लें no. नंबर थर्ड मुतहद फिल मसाइल द ज्यूरिस्ट हुक्सपाउंड द लॉ ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच हैड नाट बीन सेटल्ड बाई द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ज्यूरिस्ट्स मुतहद फिल मसाइल वो मुतहद होते हैं जो कि उन सवाल के जवाब देने की सलाहियत रखते हैं जिन सवाल के जवाब पहले और दूसरी क्लास के ज्यूरिस्ट ना दे चुके हों फॉलो दियर स्कूल ऑफ़ लॉ इन दिस रिगार्ड लेकिन ये बात ध्यान रहे कि इस सवाल का जवाब देने के लिए वो अपना स्कूल ऑफ थॉट स्कूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं दे हैव नो अथॉरिटी टू डिसग्री विद द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ज्यूरिस्ट इनके पास पहले और दूसरे क्लास की जो ज्यूरिस्ट हैं जो उल्मा हैं उनसे इख्तलाफ करने या उनसे डिसएग्री करने का कोई अथॉरिटी इनके पास नहीं होती टू कंक्लूड वी कैन दैट मुज्तहिद इज़ अफेल वर्स्ट पर्सन हैविंग ग्रेट कमांड ऑफ नॉलेज ऑफ कुराना एंड इजमा नतीजतन हम कह सकते हैं कि मुज्तहिद वो बंदा होता है जो कि उलू में कुरान्नत और इजमा पर बेहतरीन कमांड रखता हो उसमें महारत उसने हासिल की हो हिस्ट्रगल्स टू फाइंड अ सोलूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ नॉट डिटरमांड क्लियरली बाई कर्न सुन्ना एंड इजमा मुतहद कोशिश करता है कि वो ऐसे सवाल के जवाब तलाश करें जिनकी जवाब कुरान सुन्नत और इजमा में वाज तौर पर मौजूद न हो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़